दुआ करता हूँ कि खुदा तुम सबको ही सलामती से बचा। आप इस दुनिया का अगर फिर उनकी दीवार जाके हैं हर तरह की इंसानी और शैतानी मदाखल आपके लिए सुनाम से भागते हैं। खुदा का धर्म उतरे तेरी बच्चे और तेरी बच्चियां तेरे पास आए थे तो हमें जो हमें आज इबादत के लिए तैयार कर हमारी सोचों हमारे ख्यालों हमारे अरादों को खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक था। और आज मैं जमात के साथ मिलकर तेरे कादर की दुआ करता हूँ अपने बच्चे को आज पाक मुड़ा ताज़ा मसा दे जो हफ्ता भर की मेहनत और जो आंसू बहाए हैं हमारे लिए हमारी हालत और जरूरत के मुताबिक बदलाव मांगा है कर्म करके वो अपने बच्चे को बयान करने की बड़ी कुदरत दे। सर्दियों को बड़ी बरकत दे जो बहन के बच्चे आ चुके हैं वो आज उनको भी बरकत दे और हम सबको प्रस्तुत के मसाफान हम सबको आसमानी कुवत जोर से भाग और हमारे बदल रूप पर कब्जा कर तुम से आकर तक तेरा रोग तेरा ही दबा छाए रहे तेरे बेटे मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आप जितने यहाँ मौजूद है मैं आप सबको इस इबादत में खुशामदीद कहता हूँ और आपके साथ मिलकर खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने ऐसा मुमकिन किया हमारे दंगल तोड़े हमें सारी सारी शैतानी रुकावटों को दूर किया और हमें यहाँ लाया। मैं आप सबको इस मुकदस महफिल में आज की इबादत में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब हम अपनी हम 15 मिनट लेट हुए और अभी भी आगे मेहमान नहीं आए अब हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं और जबूर गाए थे 103 ये पहला हिस्सा हुआ है वो आप है मेरी जान मुबारक होता। दूसरा जो हिस्सा है वो है रहमत लाल रैप पाक की होगा सर बड़ा प्यारा है और बड़ा चबा चबा के चिप चिप के और बादलों का दौर करके इसको गाय का थोड़ी बरकत मिलेगी। जबूर नंबर 103 रहमत लाल की हरिया हरिया पाक की होगा सर
का शुक्र था जिसने पूरा हफ्ता हमें डकैती चोरी तोड़ फोड़ के दुर्ग से बचाया और आज हमें इकट्ठा किया। मैं आप सबको इस आवाज उठाने को शामिल करता हूँ और अब हम सब मिलकर इस बात का शुक्रगुजार करेंगे कि खुदा ने हमारी हिफाजत की और अब वो बड़ी कुदरत और जलाल का हमारे दरमियान में मौजूद है। हमें बरकत के लिए, शफा के लिए, माफ करने और निजात देने के लिए हम अपने खुदा को बड़े जोश के साथ तालियों के वसीले से अपने खुदा का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियां। मसीह यीशु आज कल बल्कि अब तक जैसा। अब हम जबूर गाएंगे 118 सदा की गर रहमत सागर मसीह यीशु आज कल बल्कि अब तक जैसा और आज बड़ी कुदरत का साथ हमारे दरमियान में मौजूद है। जबूर गाएंगे 118
Thank you.
में 11 नंबर, छोटी किताबों में 11 नंबर, बड़ी किताबों में 21 नंबर बंधन ईमान था। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु आया है। हर हर पर यीशु आया है, हर सुर आया है। ये 21 नंबर बड़ी किताबों में 11 नंबर में ईमान था। अपने नसीब को भी बात गाड़ी अभी ईमान से गाय ये खुदा का कलाम है, उसका वाद है।
सर्दियों की वजह से मरीज भी बहुत बढ़ गए थे, बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है और इसलिए परीजों आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि खुदा ने हमें जिंदा रखा और यीशु के दुखों के जड़ों में शरीर करने की जिंदगी दी, हमें चांस दिया कि अगर हमारी जिंदगी में कोई कमी काटा है, अगर हमने तौबा नहीं की, अगर हमारा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नहीं, तो हम अपने गुनाहों से तौबा करके अपना नाम किताबे हयात में लिखवाएं, क्योंकि जिस ये मकाश का 15 बाप की 20 बाप की 15 यानी आखिरी आयत है, जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नाम पाया गया वो आग और गंदगी की झील में डाला जाएगा। ये खुदा का कलाम है, सोचें कि आपका भी किसी का तो रह गया है, कितने लोग हैं, कितनी बच्चियां बच्चे पहले जिनका नाम ही खुदा के याद में नहीं लिखा, जो खुदा के बेटे बेटियां नहीं बने, जो खुदा के साथ में खुदा के लाही में शरीक नहीं हुए। तो हमें खुदा ने ये एक साल और बख्शा है, जब तमाम जमीन पर रोजों की आबादात हो रही हैं, घरों में भी इसी तरह आप भी सब इस मौका से फायदा उठाएं, अपने अपने कॉन्ग्रीगेशन में देखें, अपने अपने मोहल्ले में आस पड़ोस में देखें। पिछले साल जो लोग हमारे साथ थे उनमें से कुछ अब हमारे साथ नहीं, वो अभी भी सो गए हैं, लेकिन खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम अपने आप को प्रेरित करें और अपने रिश्तों चाचा बाबा अच्छी माँ अच्छे बाबा और आपस में जो कामियाँ कमजोरियाँ को प्रेरित करें, अपने घरों में माहौल को बेहतर और भला करें। इन रोगों के अयाम में बाकायदगी के साथ दुआ कराए करें। दूसरा ये है कि इस दफ़ा हमारे ग्रुप आपके ग्रुप की तरफ से पूरे साल का प्रोग्राम प्रिंट होके हमारे पास है, जिन बहन भाइयों के पास वो सालाना प्रोग्राम नहीं, वो बहुत सारे हमारे पास बाकी हैं वो लें। तो हमेशा मैं कहता हूँ वो तो अपना आपका प्रोग्राम है, आप सुबह अपनी इबादत करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, डेली ब्रेड है, वादों का खजाना है, और जो पढ़ते हैं बाइबल के वो आपने शुरू की हुई है, पढ़ते वक्त उसके अंदर रहे ताकि और आपको याद आ गए, उसको हाथ में लेकर उस पर दुआ करेंगे। खुदा हमारे ग्रुप की तरफ से पूरा सालाना प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्रामों के लिए मैं दुआ करता हूँ, करती हूँ, इन्हें कामयाब होगा। दूसरी बात, जो कुछ होना है पूरा प्रिंटों के बारे सामने है, मदर डे, फादर डे, चिल्ड्रन डे और भी कुछ भी हमारे प्रोग्राम हैं, उसके लिए हम दुआ करें और तैयारी करें। माली तौर पर कोई प्रोग्राम पैसे के बगैर तो होता नहीं, अब तो बाजार में पेशाब करने जाओ तो 5 रुपये लेते हैं और बड़ा बोलते। तो मेरे कहने का मतलब कोई चीज भी पैसे के बगैर नहीं, तो बड़े बड़े प्रोग्राम ये बड़े बड़े प्रोग्राम छपवाना करना कराना क्या मुफ्त होता है? तो जब आप उसको पढ़ेंगे आपको पता है अब क्या प्रोग्राम आने वाला है, अब क्या होगा, मुझे उसके लिए क्या देना है, पैसे कितने देने हैं, या उसके लिए रोजे रखने हैं, या उसके लिए दुआ करनी है। दूसरा ये कि अगस्त में जो हमारा प्रोग्राम स्पेशल होने वाला है वो 3 दिन का सेमिनार हो लगातार, तो उसके लिए हमें जगह की जरूरत है, तो वो भी पैसे के बगैर तो होगा नहीं, बहर किसी जगह करेंगे तो टेंट लगाना पड़ेगा, किसी का किराया देना पड़ेगा और जितने खर्चे पड़ जाते हैं वो भी होंगे, तो वो किसी एक बहन भाई से तो ज्यादा सीरियस नहीं हो सकते, वो आप सब करें उसको देखें, उसके लिए अपने आप को अभी से तैयार करें।
इसके साथ और भी जितने आने वाले प्रोग्राम हैं उनको बड़े याद करें। इस दफा मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया है, आपका अपना प्रोग्राम है उसको बड़े रोजाना दुआ करना है, दफ्तर में दुआ आपस में भी दुआ कर दो दोपहर को लंच ब्रेक में कि खुदा ये प्रोग्राम सारे कामयाब हों और तेरे नाम को जलाल के लिए भी सब कुछ हो रहा है। ये तो ब्रद जवेद का गुजाती प्रोग्राम नहीं, ये ब्रद जवेद का गुजाती ग्रुप नहीं, ये तो हम सब का। तो हालात बहुत खराब है मुल्क के भी, तो आप खुदा का शुक्र करें हालात बहुत खराब है, महंगाई ज्यादा है, बम बला तीसरा करें लगातार पेशावर में बम ब्लास्ट हो गए। आज भी सुबह सुबह जो बम ब्लास्ट हुआ कितनी जाने पुलिस वाले दीगर लोग भी गए, तो हम जो रोके नहीं किस वजह से खुदा ने हमें बचाया हुआ है, खुदा से पूछे और उसकी मर्जी जान के से पूरा करें। दूसरा यह है कि इन दिनों मौसम की वजह से काफी और बीमारियां बहुत हैं, डॉक्टरों की ईद हो रही है, तो आप मैं चाहे तो नाम आपके सामने पढ़ूंगा और शुक्रगुजारी करूंगा उन बहन भाइयों के लिए जिनको आपकी दवाओं के वसीले से खुदा ने उठा करा दिया, शफा दे दी है, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर उनको खुदा ने काफी बेहतर दिया है। पिता काम हो गया अमेरिका में न्यूयॉर्क में, ये भी न्यूयॉर्क में, तो इसी तरह जब दूर दराज से आपकी दवाओं के लिए ये दरखास्त होती हैं तो क्या ये आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं है? कोई अच्छी बात है क्या? न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा शहर मैंने देखा है और वहां कोई आदमी दुआ कर रहा है, ये आपकी वेबसाइट है इसको देखकर लोग अपने नाम देते हैं और जो हमारे मैसेज वहां जाते हैं हमारे लीड वहां बहुत दफर लगे हुए, तो आप अपनी कदर जाने के न्यूयॉर्क में से आपको ये रिक्वेस्ट आ गई है। अपने जो पढ़ूंगा ये ज्यादातर लाहौर से आई है, क्या लाहौर में कोई आदमी इतना बड़ा शहर है, तो आप अपनी कदर को जाने आप अपनी जिम्मेदारी को जाने, जो मैं नाम पढ़ता हूँ अगर वो याद रहते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो इतना तो आप कर सकते हैं कि जितने नाम आज तेरे हजूर में रखे गए हैं और जितने घरों में हैं अस्पतालों में हैं करा रहे हैं, हमें पता चला सिस्टर सुनने लगी का ये नगर बन कर बैठती थी उसी पर आपको मजाक कर रहा हूँ, जो रेगुलर आने वाले हैं उनकी एक आंख गायब हो गई, बहुत दुखी है, हमें भी अभी पता चला बड़ा दुख हुआ, 15,000 का एक इंजेक्शन डॉक्टर ने लगा लिया, फिर 50,000 रुपये और उसके पास तो कुछ भी नहीं ना, उसके पास कोई ड्यूटी नहीं, आपने दुआएं लाखों रुपए से ज्यादा कामयाब होंगी समझना, तो फिर पता चलता है जिंदगी में हम तो अब हमें नाम पर भाभी है वो मिसेस शीला प्रसाद, वो बहुत दिनों से काफी टाइम से कोमा में है, अब जो तो कोमा में पड़ी हुई है उसका रिश्तेदार पर क्या बीती है, आप उसको बड़ा अच्छा प्रोग्राम जियो का दिखाएं कोई दिखाएं क्या वो सुन सकती है, क्या वो लोग अच्छे अच्छे गाने डांस दे सकते, तो वो नहीं पूछे तो कितने तसिया है उस खानदान के लिए, उसका भी दुआ करनी है ना, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा मिस्टर वेस्टर करके कराची से है, इनके पिपे का ऑपरेशन रह के इसको भी दुआओं की जरूरत है,
कोई कामयाब होता है कोई नहीं होता। मिस्टर आफ्ताब प्रसाद ये दवाई है इस मार्शल का, दिल की तकलीफ है तो हम उस खुदा से जितनी दिल बनाया है उससे दुआ करेंगे खुदा इसको इस तकलीफ से आजाद कर दे। पादरी जेबत कराची से है, उन्होंने पादरी होते हुए आपके सामने ये दरख्वास्त भेजी है, क्या वो दुआ नहीं कर सकते? तो पादरी है, हम लोग पादरी करने की आपको इतनी खुदा ने इज्जत दी है, इस ग्रुप को आपको इतना शान दिया है कि पादरी जेकब जान ने कराची से दरख्वास्त की है कि उनका बाईपास होने के रूप को डॉक्टर ने कहा है। तो खुदा की जो मर्जी है, बाईपास हो तो खुदा मदद करे, खुदा खुद उसका ऑपरेशन कर दे। आजकल ये भी लाखों के हिसाब से बाईपास ऑपरेशन भी लाखों का खर्चा है। तो अगर आपके दुआओं से ऐसे हो जाता है तो भी आपका जितन आनर मिसेस जोसफीन जैसी मंत्री हमारे किसी वक्तों में बहुत पुराने रेगुलर मेंबर थे, अब उनके जोड़ों की वजह से दर्द की वजह से नहीं आ सकते, वो कोई दुख है दर्द है उस बीमारी का नाम मेडिकल वर्ग जान के हड्डियाँ बोल रही हैं तो बहुत परेशान है, उनके लिए दुआ करनी है। हड्डी का तो नाम है लीजिए, अब इसने जितने चांदे के नाम है और पढ़ सकता हूँ, बाकी सब के नाम वो सबकी हालत वो सबकी जरूरत जानता है। आप भी इनको याद रखें अपनी सेहत के मुताबिक, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यकूब का खत है उसका पांचवा बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, अगर कोई बीमार हो तो दुआ क्या करे, मेरा नीला पढ़ के देखे। इसीलिए आपको गुरु ने देख सके हो जो लोग खत लिखते हैं कलाम के फैसले के रूल से फार्मूले के मुताबिक, अगर तुम में कोई बीमार है तो दुआ करो। आगे क्या लिखा है, अगर कोई तंदुरुस्त बना है तो वो गीत गाए, खुदा की प्रशंसा करे कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं मैं तेरा घराना बीमार नहीं। और अगर तो बीमार है तो तेल हम मसा करके देते हैं ईमान से बताए, तो वो बीमार जोड़ों की दर्द से टेंशन डिप्रेशन जादू काबी से मुतलाब के कामों से आजाद होता है। और सबसे बड़ी बात आपकी दवाओं में तेल में इतना असर है कि अगर उसने गुनाह किए हैं तो वो गुनाह भी माफ हो गए। बताओ गुनाह कौन माफ करता है, खुदा है के सिवा कोई नहीं करता है। उसने अपने लोगों को कलीसिया के बदल रखा है, वो भ्रष्ट करें तेल भर के दुआ करें तो वो बीमार से साफ पाएगा, बल्कि अगर उसने गुनाह किया है उसके गुनाह भी माफ होंगे। तो आप अपने आप को मामूली न समझे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और इनके लिए दुआ करें। बहुत सारे नाम हैं, एयरफोर्स में पाकिस्तान एयरफोर्स में एक खानदान है जो सालों साल से जादू तावीज मुजरमों जुर्मों की वजह से अजमाया जा रहा है, लुट गया बीमार हो गया परेशान, इनके लिए दुआ करनी है। अरशे के घर में घराने से तरबूज का कब्जा है उसके लिए। अख्तर जी दास ने हबीब विलियम का घर फरोख्त कर दिया, ये घर जाती तौर पर हबीब विलियम का है, ये हक हबीब विलियम को मिल गया है। इसी तरह नए नए लगी हुई किसी का केस डाइवोर्स के लिए कोर्ट में है, किसी का जमीन और ये जमीन का चक्कर, लोग बहुत परेशान हैं। आप अपने को खुश किस्मत समझे कि बजाय हम चक्करों में पड़े बल्कि हमें तो ये आनंद है कि हम इन चक्कर वालों के लिए दुआ करें, परवीन के हाथों में दर्द है। प्रसिला विक्टोरिया इनको भी बीमारी है, अंदरूनी कोई बीमारी लेता है। और इसी तरह सलीम हबीब के घर में भी, जमाल के घर में भी, और फ्रांसिस के घर में, और सादत तबरिस इनके खानदान के लिए दुआ करें। और उसी तरह पीटर के लिए और सलीम फर्दस के लिए और उन सब के लिए
जो इस जमात में बैठे हुए हैं और उन सब के लिए जो अस्पतालों में और घरों में अजमाए सताए और परेशान हैं, और हम शुक्र करें क्योंकि हम बीमार भी आइए आपको ये आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपके साथ में अमेरिका से दरबार से आई हैं, लाहौर से आई हैं, आप बड़े होश के साथ और बड़े ईमान के साथ, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं दुख सहने वालों में से नहीं, मैं तो दुआ करने वालों में से। सब बहन भाई अपने आप को दुआ के लिए याद करें कि आप खुदा मुझे शफा की नेमत बरकत दे, बख्श दे, ताकि हम उनके दुआ कर लें। मैं सब आप सीधे सो जाए। और दूसरी बात ये कि आप आंखें बंद करें, शैतान को मौका ना दें। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई भाई एवर्ट से, वो इन सारे बीमारों के लिए जो मौजूद हैं, जो जहाँ जा बुझा है, इनके भी दुआ करें। भाई एवर्ट खुदा के पाक पर हम दिल की गहराई से तेरे शुक्रगुजार हैं और तेरी पाक जात को झुककर सजदा करते हैं। पहले खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा के तू हमारा रब और हम तेरे लोग हैं, और जब भी खुदा तेरे बच्चे किसी दुख तकलीफ में मुबतला होते हैं तो वो ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु तुझे तकते हैं, और तेरी तरह से खुदा ने सेहत तंदुरुस्ती मिलती है, शिफा मिलती है, क्योंकि तू शिफा का मंबा है। पहले खुदा जितने तेरे बंदा ने खुदा नाम पढ़े खुदा इन सब को खुदा हम तेरे मस्बा के सामने लाते हैं, तेरी कुदरत वाले हाथ के नीचे लाते हैं खुदा, क्योंकि तू काम और कलाम में कुदरत वाला खुदा था मेरे खुदा। और तू खुदा वो खुदा है कि जब भी खुदा तेरे बच्चे खुदा तेरी तरफ निगाह करते हैं तो तूने खुदा एक तसली इत्मीनान सबर देता है, क्योंकि तू तसली और इत्मीनान का सर चश्मा है। ऐ खुदा जितनी जाने खुदा तेरे हजूर में है खुदा, तू उन सब जानों को खुदा तू जानता है कि जो जो इनकी रिक्वेस्ट है खुदा, जो जो खुदा की आस है खुदा, तू खुदा ने इनके तमाम दुखों से खुदा को आजाद कर दिया, क्योंकि तू आजादी का खुदा है खुदा, तू नामुमकिन का खुदा है, तू तब्दीली का खुदा है, और तू खुदा सेहत और तंदुरुस्ती का खुदा है, क्योंकि तेरे कहने से तेरे बच्चे शिफा पाते हैं। जितनी जानों ने खुदा इस ईमान के साथ तेरे सामने रिक्वेस्ट पेश की है खुदा, तुम सबको खुदा नाम पर नाम एक एक जिंदगी को छू और उन्हें मुकम्मल तौर पर शिफा दे, ताकि शिफा पाकर खुदा तेरी शुक्रगुजारी करें। और जितना काम खुदा तूने किया खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो बीमार रह गए हैं खुदा अभी लगा अभी नहीं लगा अभी गीत है वो बच्चों का इंतजार कर रही है, ये बच्चे भी जा सकते हैं, ये बोले अपने बच्चे को। तो जमात में जितने भी बच्चे हैं वो बात देते, ये उनकी बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि वो कलाम सुनने आते हैं, वो कलाम सुनने के बजाय वो कलाम सुनाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए अपना ईद की वक्त देते हैं। मैं उनके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, और इन बच्चों के लिए जो बैठे हुए हैं